चले यार दोस्तों आ गए छत पे और अपना जो क्या हुआ तो रख के जाओ ना तो बिठा के जाया करो इसको बिठा के गए थे ना हाँ बिठा के गया था ना आपको हाँ, ये टीम यहाँ पर आई इसके ऊपर हमला टाइप का कर रही थी कौन सी वहाँ चली गई यहाँ जो बैठती है ऊपर होगी अरे वो वहाँ बैठती है हाँ तो इसको पिंजरे में भी रखो ना तब भी बिठा के जाऊँ तो तुमने भगा दिया मैंने तो भगा दिया था डंडा पकड़ा था ऐसे निकल गई ऊपर के यार यही करते हैं हम थोड़ी सी धूप लगाने के लिए लगाए थे इसको खैर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे यार हम बंद करके गए थे दोस्तों लेकिन कहाँ पर ये जो घूम रही है ऊपर वो घूम रही दोस्तों वो जा रही एक वो भी रही हाँ वो जब भी तो मैं आपको बिठा के गया था क्योंकि यहाँ बहुत सारा झुंड आ जाता ना उसकी वजह से यार हमारे इधर ना छत पे बहुत सारी चीलें आने लग गई हैं और पता नहीं किस वजह से या तो मुझे लगता है रोटी रखी थी अपन ने एक मरतबा उसकी ये भी हो सकता है तो खैर दोस्तों इसको हमने यार इसलिए रखा हुआ था बच गया मतलब तुम छोटू तो इसको हमने इसलिए रखा है यार क्योंकि इसका ना थोड़ा सा दोस्तों मैंने बताया था ना कि ये अपना कबूतर जो होते हैं एक बच्चा बिल्कुल बड़ा कर देते हैं एक बच्चा इनका अक्सर मर जाता है वजह उसकी होती है एक तो खिलाना पिलाना छोड़ते हैं दूसरा खिलाना पिलाना छोड़ते हैं तो वो सिप में आने लगता है उसके बाद ठंड भी है और भी 10 चीज़ें होती हैं फिर वो बीमारी के लपेट में आता है क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इनका भी ना कमज़ोर पड़ जाता है तो उस वजह से ना इनको लग जाते हैं फिर मोशन क्योंकि खाने को ही नहीं मिलता जिसम में जान ही नहीं होगी तो बीमारी हमला करती है तो वो इनको जल्दी हमले में आ जाते हैं तो बस यार इसको अभी तो हमने दवा दे दी है दोस्तों क्योंकि इसको हल्के फुल्के हमें मोशन लग रहे थे और थोड़ी बहुत धूप दिलाने के लिए हम रख गए थे तो भाई को मैं बैठा के गया था पर भाई ने बताया यार कि कैसे चील ने हमला करा तो हमें बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा और कुछ भी रख के जाएंगे ना ये तो खैर दोस्तों हम जब भी रख के जाते हैं बच्चे वगैरह कोई भी तो बैठता है एक बंदा ही तो हमें भी पता है हमला लाजमी कोई भी चीज़ कर सकती है चील नहीं करेगी तो बिल्ली मार देगी किसी वक्त भी तो इस वजह से हम बहुत केयर करते हैं और आप भी कभी भी मत छोड़िएगा किसी बच्चे को ऐसे खैर यार इसको ले जाके दोस्तों मैं डालता हूँ इसके पिंजरे में काफ़ी देर हो गई है इसे लिए हुए धूप चलो भाई ये लो भाई आपका बच्चा अरे 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 छोड़ दे भाई काट रही है यार ये बहुत काटती है हाँ अरे काटने लग जाएगी यार मैं इनका खाना ऊपर ही ले आया था आज हमजा नीचे है वो आ रहा है ऊपर चेंज करने गया था बाकी यार ये कटा हुआ नहीं है खाना तो हमजा मुझे ये बोल रहा था यार काट के तो लाता है मैंने बोला यार मुझे नहीं पता था मैं समझा सिर्फ छिलके हैं शायद रैबिट का खाना ही है तो यार इसके नीचे मुर्गे वगैरह के भी है जो लवाजमात होते हैं इनके पत्ते जो भी खिलाते हैं हम सारा कुछ मिल मिला के तो सारे लवाजमात इसमें हैं खैर हमजा आ जाए फिर इनको यार एक एक करके हम खिलाना शुरू करते हैं बाकी यार दोस्तों आज मैंने एक और ख़बर देनी थी ये देखें इन्होंने भी अपना एक अंडा ये फेंका हुआ है ये मैं निकालूं तो डफ का अंडा आया हमारे पास और डफ का अंडा ख़राब भी हो गया अब ये देखें ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं यार अपने अंडों के साथ समझ ही नहीं आ रहा है अब इन अंडों का हम क्या करें ये अंडा दोस्तों ख़राब कर दिया इन्होंने अब यार ये डफ बिकेंगी दोस्तों इसके अलावा हल नहीं है यार देखते हैं किसी दिन हमें टाइम मिलता है तो इनको भेज कर आते हैं और एक बड़ी डव लाऊंगा मैं सिर्फ एक पेयर बस जो बच्चे सही से दे इतने सारे नहीं लाऊंगा और वो डव लाऊंगा दूसरी वाली बड़ी वाली यार ये देखो डव ने अंडा फेंका हुआ क्या कर रही है इनको यार दे देते नहीं है ना ये जब लाएंगे अपन कुछ जब सेटअप बनाएंगे ना इंशाल्लाह तब लेकर आएंगे हाँ नहीं वो तो जब करें ना बड़ी जगह हो ना तो बंदा एक जोड़ा लाके छोड़ दे दो ये बहुत सारी हो गई हैं खैर दोस्तों ये अंडा तो गया जाओ भाई तुम गए वो जा रहा अंडा गया बाहर तो यार काले वाले को खोल दिया मैंने इधर जो बच्चा है दोस्तों और उसको हम दाना डाल लें ये बाजरा सॉरी वजह ये है क्योंकि यार ये बहुत ना कम रोटी में वो करता है और शायद बाजरे का ज़्यादा आदि है तो हमने अब इनको बाजरा भी देना शुरू कर दिया मतलब रोटी तो देते हैं पर रोटी में बाजरा जरा मिक्स करके बाजरा लाजमी डालना है खैर इसको तो खाली बाजरा दे रहे हैं और हमजा को पता नहीं हमजा कितनी देर लगेगी अच्छा चलो जल्दी जल्दी कर लो यार फिर दोस्तों हम जल्दी से डालना भी शुरू करें हाँ आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ बेटा तो यार दोस्तों बच्चे कुछ बताने आए पता नहीं क्या इनको शायद रैबिट का पता चला था मेरी तो मैं चेक करता हूँ क्या है क्या नहीं कि रैबिट की क्या खबर लेने आए हाँ भाई इधर आओ क्या हुआ है अब बताओ तुम लोग मेरे को आवाज़ें दे रहे हो ऊपर से रैबिट गया है रैबिट क्या हुआ है व्हाइट वाला रैबिट गायब हुआ जैकी कहाँ है देखा है देखा नहीं मारा हुआ बताया किसी ने बिल्ली लेके आई है तुम्हें किसने खबर दी है ये बताओ हमारे दोस्त ने खबर दी है उसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है तो उसने हमें खबर दी तो उसे मरी भी मिली थी उसको मरा भी मिला उसने मारी है बिल्ली ने वो घर पे ही है मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि बिल्ली को उधर ही कौन से घर पे ये मेरे बराबर के बराबर वाला वो सही है वो जो बच्चा है छोटा उनके घर पे जी। पक्की बात है यार रैबिट तो दोस्तों मेरा ही गायब हुआ है
अब ये बच्चे बता रहे हैं कि हसन भाई वो मारा। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, चलो यार कुछ तो पता चला दोस्तों, बिल्ली ने मारा है। अच्छा अगर उसके बाद मिले ना, अगर वो मरा हुआ वो भले तो आप लोग पूछे ना और मुझे लाके दे दो। तो आप क्या करें? बस आप मरा हुआ ला दो भले वो, ठीक है। तो यार दोस्तों ये खबर भी आज ही मिलनी थी कि हमारे जो जैकी है वो किसी के घर पे मरा हुआ मिला है और बिल्ला उसको मार के लेके गया है। पता तो चला यार, ये शुक्र है यार हमजा, जैकी का पता लग गया भाई। बड़ा अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो अथर भाई दो घर छोड़ गए ना, ये नहीं है जो खाना बनाते हैं कौन है, जो नए आए किराएदार, तो उनके घर पे मिली यार मरी हुई। और बिल्ला एक दिशान में बताते हैं, सुबह बिल्ला जा रहा होता है वो मार के लेकर गया है। वो बता रहे हैं कि वो खा रहा था उसको, मतलब गला दबाया हुआ था और तकरीबन उसकी जान खत्म थी, वाइट कलर की मिला। तो बिल्ला वो ला दो अगर जैकी मिल जाए, बिल्ला असल में कौन मरा हुआ अपने घर रखता है। तो यार उन्होंने फेंक दी होगी दोस्तों, जाहिर सी बात है मरी हुई चीज़ है, उनके लिए वो चीज़ वो नहीं थी पर हमारे लिए तो थी यार। तो खैर हमारी जैकी चली गई भाई, और ये शुक्र है दोस्तों एक चीज़ की मेरे को, वो है कि पता तो चल गया ना कि कहाँ गई है कैसे गई है। तो यार इन्हें भी खोल दिया दोस्तों हमने अपने रैबिट्स को, बेबीज को। ये कहाँ फंसा हुआ है? सही है ना, खा लिया उन्होंने ये, इनको यार रोटी भी डाल देना अगर ये सारों ने खा लिए तो, ये रोटी भी खाएंगे। ये बच्चे को इन्होंने भी छोड़ दिया। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारे को यार दोस्तों, ये लोग फिर अंडों पे आ जाएंगे, इन्होंने वाकई में छोड़ ही दिया है बच्चे को बिल्कुल यार, कसम से यही हो रहा है हमारे साथ। एक ही बच्चा दिया उस पर भी इतनी कंजूसी करना है। फिर ये देखो जैकी हमारी, हमारी जैकी दोस्तों सिर्फ एक याद में रही हमारे पास, ये छोड़ गए अपना प्यारा सा बचपन जैकी। चलो यार यार एक काम करें, इधर देखो इधर इधर ट्रैप लगाएं बिल्ली के लिए। हाँ यार यहाँ पे नहीं नहीं चेक करेंगे, देखो इधर एक गोश्त का टुकड़ा डाल के यहाँ पे, और ना ये दो अपने पास है ना, इनको बांधना ऐसे है कि वो आए ना तो ये गिर जाए उस पर, बस ये कुछ करना पड़ेगा यार। पहले दोस्तों हमें अब ये लग रहा है डब भी हमारी उसी ने मारी है, जिसकी याद है आप लोगों को अलहदा हुई भी मिली थी गर्दन, वो डब भी इसी ने मारी है बिल्ले ने, और ये हमारा जैकी को भी उठा के लेके मार के चला गया। मुँह बताओ ना क्या करना है, रखे हैं यहाँ पे बेकार। अरे आ जाएगी भाई मान लो, और एक और चीज सुनो, सुबह चील ने हमला करा है, पता है तुम्हारे को? तुम्हारे सामने कहा अत्थर भाई को बैठा के गया, उसके सामने करा हमला, मेरे सामने करा फजूल में, मेरे सामने अत्थर भाई के सामने हमला करा, भाई साहब बोल मेरे सामने करा है, आप नीचे थे मेरे सामने। तो यार बड़ा मुश्किल हो रही है, बस यार हम ट्रैप बैठाएंगे इंशाल्लाह दोस्तों, देखें मैं ट्रैप बनाने की कोशिश करते हैं पहले, ऐसा हमसे बन जाए सही से, अगर वो बन गया तो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा कि उसकी मेकिंग है, कैसे हमने वो बनाया और कैसे फिर देखेंगे कि बिल्ली आती है हमारे पास या नहीं शिकंजे में, क्योंकि यार वो बहुत नुकसान कर सकती है हमारा। तो खैर यार जैकी बस याद में ही रह गई हमारे, और क्या। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, दीजिए लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। बंद कर दो, ले जाओ ले जाओ। चलिए यार दोस्तों इन सारों को भी बंद करूँगा, देखें कहाँ घूम रहा है मज़े से, ये इनकी हरकत है, ये देखें ये यहाँ घूम रहे होते हैं भाई साहब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैकी भी यहाँ से कूद गई है शायद, और उसे कोई बिल्ला उठा के ले गया फिर मार दिया यार। खैर जैकी के लिए यार ये जगह यादगार रहेगी हमारी हमेशा।